हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि कैसे हम एमएस वर्ड में किसी भी इमेज को इंसर्ट करा सकते हैं एक प्रॉपर वे में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों जाएंगे इंसर्ट में और यहां से जाएंगे पिक्चर में। दोस्तों जहां भी आपकी फाइल से वो सिंपली आप उस वहां से जाके अपनी इमेज को उठा सकते हैं और यहां से कर देंगे इंसर्ट। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमारी इमेज आ चुकी है। ओके फ्रेंड्स, अगर दोस्तों आप इस इमेज को मूव करने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी इमेज मूव नहीं हो रही है। तो दोस्तों इसके लिए आपको यहां से जाना होगा पोजीशन में और यहां से दोस्तों आपको ऑप्शन दिखेगा विद टेक्स्ट रैपिंग में और यहां से आप किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहां से आप आपकी इमेज मूव कर सकती है। ओके फ्रेंड्स, आपके दोस्तों जहां भी मर्जी हो आप इस इमेज को सेट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इसकी हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करनी है तो उसके लिए सिंपली लेफ्ट क्लिक करेंगे प्रेस और यहां पे दोस्तों आप इंक्रीज भी कर सकते हैं इस इमेज के लेंथ और हाइट को। ओके फ्रेंड्स, अगर दोस्तों सपोज करिए आपके यहां पे टेक्स्ट है और दोस्तों आपको इस इमेज को इस टेक्स्ट के पीछे भेजना है तो दोस्तों उसके लिए आप करेंगे सिंपली इस इमेज को सिलेक्ट और यहां से जाएंगे फॉर्मेट में और यहां से दोस्तों जाएंगे टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन होगा दोस्तों और यहां से इसको कर देंगे दोस्तों बिहाइंड द टेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये इमेज हमारी बिहाइंड द टेक्स्ट जा चुकी है। ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों हम यहां से इसे करेंगे सिलेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों कि हमें अब ये इमेज को सिलेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत होगी तो इसके लिए हम जाएंगे यहां से सिलेक्ट ऑप्शन में और यहां से कर देंगे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिंपली आप करेंगे ऑब्जेक्ट पे क्लिक। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे हमारी सिर्फ ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट हुई है। तो सिंपली आपको जहां भी इसको सेट करना है वहां पे आप इसे सेट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इसको फिर से हटाना है बिहाइंड द टेक्स्ट से तो फिर से हम जाएंगे फॉर्मेट में और यहां से टेक्स्ट रैपिंग से कर देंगे इसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये इमेज हमारी फ्रंट में आ चुकी है। ओके फ्रेंड्स, अगर दोस्तों आपको इस इमेज के बॉर्डर भी क्रिएट करना है तो सिंपली आप जाएंगे यहां से पिक्चर बॉर्डर में और यहां से दोस्तों जो भी आपको कलर पसंद है बॉर्डर का उसे आप कर सकते हैं सिंपली सिलेक्ट। और इसके दोस्तों आपको अगर ब्रेथ को इंक्रीज करना है तो यहां से हम जाएंगे ब्रेथ में और दोस्तों जो भी आपको इसकी ब्रेथ पसंद है उसको आप सिंपली कर सकते हैं दोस्तों सिलेक्ट। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पे हमारा जो इमेज है इसका बॉर्डर लग चुका है। ओके फ्रेंड्स, अगर दोस्तों आप अपनी इमेज को फ्रेम में डालना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों यहां पे इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इनमें से दोस्तों जो भी फ्रेम आपको पसंद आए सिंपली उसको आप कर लीजिएगा सिलेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा इमेज है ये फ्रेम में आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, अगर दोस्तों आप इस इमेज में मिरर इफेक्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए आप जाएंगे यहां से पिक्चर इफेक्ट में, यहां से जाएंगे रिफ्लेक्शन। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे हमारे ये बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो आप इनमें से जो भी दोस्तों आपको ऑप्शन पसंद आए उसको कर सकते हैं सिलेक्ट। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारी इमेज की जस्ट नीचे मिरर इमेज आ चुकी है। ओके फ्रेंड्स, अगर दोस्तों आपको इस इमेज को वाटरमार्क पे सेट करना है तो उसके लिए हम जाएंगे यहां से, तो दोस्तों हम यहां से जाएंगे पेज लेआउट में और यहां से जाएंगे वाटरमार्क और यहां पे जाएंगे से सिलेक्शन टू वाटरमार्क गैलरी। और दोस्तों जो भी आपको इस वाटरमार्क का नाम देना है सिंपली आप नाम दे सकते हैं कुछ भी और यहां से कर सकते हैं क्लिक ओके। अब दोस्तों यहां से हम जाएंगे फिर से वाटरमार्क पे और यहां से आप दोस्तों नीचे करेंगे इसको ड्रैग। तो आप देख सकते हैं कि हमारे वाटरमार्क के फॉर्म में यहां पे दोस्तों सेट हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो हमारी इमेज है ये वाटरमार्क में आके सेट हो चुकी है। ओके फ्रेंड्स, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड हैव अ नाइस डे।